बहुत हमारे लिए बहुत दुख की बात है। गर्मी स्टार्ट हो गई सॉरी बारिश स्टार्ट हो गई तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ सोनाली के पास, क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरे को विशाली का फ़ोन आया था कि वो ठीक नहीं है, तो अभी उससे मिलने चलते हैं। और मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी वाला ब्लॉगिंग होगा, क्योंकि अभी बारिश भी हो रही है और अचानक से कॉल आया। तो पहले मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज़ अलीसा थापा एंड दिस इज़ माई ब्लॉगिंग चैनल गाइज। तो अभी चलते हैं फटाफट, गाड़ी निकालते हैं और मिल के आते हैं। तो आइए चलते हैं सोनाली को देखने। तो गाइज मैं सोनाली को मिलने आई थी। सोनाली एडमिट हो रखी है गाइज क्या हो गया आपको? पहलवान देखने का पहलवान है बस। तो ये बहुत हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि सोनाली एडमिट हो गई है सकल से लग रहा था तो अभी सोनाली का बीपी हाई हो रखा है, पता नहीं कौन सा टेंशन लेती है औरत। ओए ओए हाय तो बोल दो। ये लगाने में इसने मेरे पूरे नखून घोप दिए। अब चला गया क्या हो सोनाली? ओ लो। तो गाइज अभी मतलब हम वेट कर रहे हैं सोनाली को जल्दी जल्दी ड्रिप चढ़ जाए, फिर उसके बाद उसको घुमाने लेके जाएंगे। तो अभी यहाँ पे विशाली नारियल खा रही है, आंटी भी नारियल खा रही है। हाय तो बोल दे कम से कम। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, तो जैसे सोनाली आती है फिर मैं दिखाती हूँ। तो गाइज फाइनली हम सोनाली के घर पहुँच गए हैं उसको लेके, और उसका थोड़ा तबीयत ख़राब है, तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं और उसका मतलब थोड़ा मन बहलाने के लिए अभी थोड़ा घूमने जाएंगे, मतलब यहीं तक घुमा देंगे उसे, क्योंकि उसे थोड़ी एंजाइटी सी हो रही है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइज मैंने क्या बोला था, सोनाली को ठीक करके हम लेकर जाएंगे घूमने के लिए। तो सोनाली हो चुकी है रेडी, मतलब इसको थोड़ा सा वर्कआउट करा देते, बाहर का दुनिया दिखा देते। और इसके हाथ में अभी भी ड्रिप है बेचारे। हाँ भाऊजू आए बोल दो। तो ये है भाऊजू जिन्होंने मेरा टैटू बनाया था, उनकी पत्नी यू। तो गाइज देखो कॉटन लग रहे पूरे बादल। तो अभी चलते हैं हम। अभी हम आ रखे हैं यही सोनाली के घर के पास में ही कैफे है, वहाँ पे आ रखे हैं। तो अभी सोनाली पी रही है, क्या पी रही है सोनाली? सोनाली पी रही है मोहितो, ये ब्लू लगून। सो अभी वैशाली का भी आ रहा है, वैशाली ने पहले जूस पिया था, बट क्या पीना है सोनाली? वैशाली ब्लू लगून। गाइस वैशाली का भी आ गया, और वैशाली का तो ग्लास ही चेंज हो गया है उनके पास, क्योंकि दो ही ग्लास है लंबे वाले। बहुत दुखी था क्या तुम देख रहे हो? मुझे भी आओ घर में नर्स आ रही है। बेचारे को देख कम ही खा। अरे पहले कॉटन हुआ भी तो वो निकलवाए टेप। अब उसे एक ग्लू तो भाई मैं तेरा हुआ। मैं तो यही चाह रही लगता है मैच निकल गया। अभी हम वॉक पे जा रहे हैं इतनी बारिश पे, तो हमारे साथ है सोनाली पुन, और सोनाली पुन पूरा पूजा वूजा करके घूम रही है क्योंकि तबीयत खराब होने के कारण। तो गाइज हमारे साथ विशाली भी है। ओए यार मिलिया दी गाल सदा सिर मथे लल्ली छल्ली दा यार दे मखोला एक बमणा। गाइस अभी हम आ चुके हैं वॉक करते करते। क्या बोल रही विशाली, कुछ बोलना चाहती? करते करते माल देता है और हम लोग अब पहुंच जाएंगे, अच्छा फिगर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम वॉक करते करते पहुंच गए, तो हमारा बढ़िया सा फिगर हो जाएगा। वेदर में दिखाती हूँ, हमने लगा कि बद्रीनाथ में ही ऐसा वेदर है, बट अपना देहरादून तो अपना देहरादून है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या फॉगी हो रहा, कुछ नहीं दिख रहा गाइज। हमारा टीम 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 क्या बोलेंगे, ऑरेंज टीम, टीम बद्रीनाथ। तो गाइज ये हमारा टीम बद्रीनाथ है, और बाकी ग्रुप में भी पहन रखा है। तो जब मिलेंगी पूरी ग्रुप तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे थोड़ा शूट वगैरह चल रहा है अभी इन लोग का। सोनाली भी अच्छा फील कर रही है अभी, तो पूरा मतलब माता वाता बन के बैठी है सोनाली। तो गाइस इतनी बारिश हो रही थी बाहर, तो हमने सोचा चाय पी लेते, तो ने लेमन टी मंगा रखा है। सोनाली लो वैशाली का चाय है। गाइस अभी हम टॉस कर रहे हैं, टॉस नहीं चीयर्स चीयर्स। गर्मी स्टार्ट हो गई सॉरी बारिश स्टार्ट हो गई। वापस जा रहे हैं क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गया है, पहले बारिश नहीं हो रहा था। तो गाइज अभी हम कुछ नया ब्लॉग, रुको ना रुको ना रुको। तो
गाइस अभी हम कुछ नया ब्लॉग करने वाले हैं, तो अभी दिखाती हूँ। तो हाथ पकड़ो आप एक और मैं एक दूसरे के ब्लॉग में आएंगे। मेरे को चक्कर आ रही है पहले। इसका जो बिहाइंड द सीन होगा ना वो कार्तिक के ब्लॉग में देखना, और इसका जो लिपसिंग होगा वो इसके ब्लॉग में देखना, कंटेंट मेरे ब्लॉग में देखना है। तो गाइस काले काले पैर देख के आपको मैं एक खूबसूरत सा जगह दिखाती हूँ, देखो। तो गाइस ये सोनाली तो छाता छोड़ के आ गई यहाँ पे, तो पहले हम छाता लेने जाएंगे क्योंकि हम वापस जा रहे थे, तो अंकल बोल रहे छाता छूट गया है, तो चलो भाग के छाता लेते हैं। तो भैया हमें छाता दे रहे वापस हमारा, थैंक यू सो मच भैया। तो गाइस जब बीमार होते तो ऐसे गाने सुनने पड़ते हैं। शाली को बहुत मोमो खाने का मन कर रहा था, तो अभी हम आ रखे हैं यहाँ ओनली वेज, तो यहाँ पे बहुत अच्छा मोमो मिलता है सुनने में आया, तो अभी टेस्ट करके देखते हैं। मोमो भी आ चुका है तो खा के बताइए मैम। बहुत गर्म है ना भी, दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, होता है बहुत टेस्टी है, फिर भी एक चक्के बताइए। तो गाइस मेरा मोमो भी आ गया है, एक बार फिर से खुद खाओ और जान जाओ। तो अभी हम मोमो लेके जा रहे हैं खाने के लिए। तो वैशाली कैसा लग रहा है मोमो? अच्छा ठीक है, राजी नमोटो ज्यादा हो रहा है आज, अच्छा नहीं है क्यों खाया फिर मुंह का बढ़ा। आफ्टर वॉक वी आर इन होम, इट वाज नॉट वॉक, इट्स काइंड ऑफ वॉक राइड। तो मोमो तो बिल्कुल पसंद नहीं आया गाइस, तो जाना मत बिल्कुल भी वहाँ पे क्योंकि रिव्यू इसको उल्टी भी आ रही है। अभी हमारी मुर्गियाँ खाएंगे तो उसके बाद हम उनको खाएंगे। क्या रे, पहले ये मुर्गियाँ खाएंगे फिर उसके बाद हम उसको खाएंगे। बस बस मोलू बस बस। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं, तो मैं आज ब्लॉगिंग करूँगी थोड़ा बैकग्राउंड चेंज करके यहाँ पे। तो दिस इज माई प्लेस सुंदर सा, और यहाँ पे बैठे जनता हमारे। इसका जो फेस है बाबू का छोटू सा, तो ये सोनाली से मिलता है क्योंकि बचपन में भी सोनाली ऐसी थी, ऐसा आंटी बोलती हाँ, तो सच में सोनाली ऐसी थी, तो अभी प्रूव भी हो जाएगा हाथों हाथ रंगो हाथ। मुझे पता नहीं है बट ऐसा कहा जाता है, वैसे आंखें तो मिलती है। तो गाइज ये छोटी सी पुन फैमिली है। तो गाइज ये देखो सोनाली है, तो इनसे मिलता जुलता है इनका शक्ल। बाबू देखो ऊपर देखो, ऊपर देखो, ये देखो बस बाल घूमे हुए। बचपन और बचपन दिखाओ, देखो आंखें तो सेम लग रही है, आंखें सेम लग रही है, मुंह भी सही है, सब सही है, बस बाल घूमे हुए। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस हो चुका है, तो भाऊजी बोल रही है, भाऊजू बोल रही कि बाबू मेरी तरह लगती है, सोनाली बोल रही कि मेरी तरह लगती है, तो ये कहाँ कहाँ पे जाएगी ये गेम अभी देखेंगे। अब तो नया और मेंबर ऐड हो गया, बजी लगती है। तो गाइज ये देखो फोटो, तो ये मिलती है भाऊजू से, अब प्रूफ हो चुका है, तो कोई ना बोले कि ये भैया से मिलती है किसी और से मिलती है, तो ये रही भाऊजू सेम। अरे आप तो मम्मी निकले मिली शाते बाबू छोटू सा, हाय कर दो हेलो टू माय सब्सक्राइबर। तो गाइस जैसे ही कैमरा बंद हुआ वैसे ही इन्होंने कुछ बोला, पर ये कैमरे के आगे नहीं बोलती क्योंकि ये बहुत साई लड़की है, है ना? आप बहुत साई हो ना, ये कैमरा फेयर होता है इनको। दड़ो जिया दड़ो जिया। तो गाइस जो टैटू बनाते ना भैया, उनका कमरा भी देखो कितना एस्थेटिक है, देखो कितना सुंदर सा, पर ये सब किया है इन्होंने, और इनकी पेंटिंग भी दिखा देती हूँ गाइस मैं आपको। तो इन्होंने ये मंडाला बना रखा है एंड ये सब, तो डिटेलिंग में आप देख सकते हो कितना सुंदर है ये, और ये सब का क्रेडिट जाता है भाऊजू को, भाऊजू ने बनाया है। एंड गाइस जल्दी भाऊजू का भी चैनल आने वाला है, तो प्लीज़ इनको भी सपोर्ट करना, प्लीज करना, मुझे बहुत जरूरत है। मैं बढ़ना चाहती हूँ आगे, मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो गाइस अभी हम घर भी आ चुके हैं, और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा सा टेंशन और थोड़ा सा इंजॉयबल हुआ, और अभी सोनाली ठीक है। तो अभी इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू।